हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ब्लिस। आज हम विटामिन्स की वीडियो करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं विटामिन्स की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं और हम विटामिन किन किन फूड से ले सकते हैं और इनके रासायनिक नाम क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि विटामिन होता क्या है। विटामिन ए एक कार्बनिक पदार्थ होता है जिससे हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। अगर हमें विटामिन ना मिले, अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग रोग हो जाते हैं हमें। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, इनका हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, हम इन्हें सिर्फ भोजन पदार्थों से ही प्राप्त कर सकते हैं। जो विटामिन है ये टू टाइप के होते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल होते हैं और दूसरे वाटर सोल्यूबल होते हैं। जो फैट सोल्यूबल हैं वो कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। जो वाटर सोल्यूबल हैं वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये वाटर में घुलनशील होते हैं। अब हम देखने वाले हैं जो हमारे विटामिन्स के नाम होते हैं, हम उन्हें ट्रिक से कैसे याद करते हैं। हमारी 100 ट्रिक है, रत एक टॉफी, आर से रेटिनोल जो कि विटामिन ए का नाम है, थ से थायमिन और ए से एस्कोर्बिक अम्ल, क से कैल्सिफेरोल, टी से टोकोफेरोल और फी से फिलीक्विनोन, जो कि ए बी सी डी ई और के रासायनिक नाम है। अब हम देखने वाले हैं हम इन्हें किन सोर्स से ले सकते हैं और इनकी कमी से हमें क्या नुकसान होता है। जो विटामिन ए है इसको हम दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल और यकृत से ले सकते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। और जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरोल है, इसको कहाँ से ले सकते हैं हम? मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, त्वचा, यीस्ट और सूर्य के प्रकाश से ले सकते हैं। इसका काम क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फोरस का उपापचयन करना, हड्डी और हमारे दांतों को मजबूत बनाना। कौन सा रोग हो सकता है? ऑस्टियोमेलेसिस रोग हो सकता है। विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरोल, इसको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तेल से, गेहूं से, अंडे की जर्दी से और सोयाबीन से। इसका काम क्या होता है? ये हमारे सेल्स की सुरक्षा करता है और जनिक एपिथीलमिया की वृद्धि होती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? जनन क्षमता की कमी हो जाती है। जो हमारा नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन के, जिसको फिलोक्विनोन भी बोला जाता है। और कहाँ से प्राप्त होता है हमें? हरी पत्तियों से, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, इन चीज़ों से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है? यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करना। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? चोट पर रुधिर का थक्का न जमने से अधिक रुधिर स्राव, इससे खून का थक्का नहीं बनता। अगर इसकी कमी हो जाती है तो चोट लगने पर खून बंद नहीं होता है। अब हम देखने वाले जो जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, इनको हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जो विटामिन बी वन है इसको थायमिन है इसका रासायनिक नाम, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी रोग होता है। इसको प्राप्त कर सकते हैं अनाज से, फलियों से, सोयाबीन से, दूध से, यीस्ट से, अंडे और मांस से। जो विटामिन बी टू है इसका नाम क्या है? राइबो फ्लेविनी। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग होता है। इसका नाम क्या है? निकोटिनिक अम्ल।
और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? प्लेगरा। विटामिन B5 का नाम क्या है? पेंटोथिनी कमल। इसकी कमी होने पे क्या हो सकता है? हमें स्किन से रिलेटेड रोग हो सकता है, बाल सफेद हो सकते हैं और ग्रोथ में कमी। जो विटामिन B6 है इसका नाम क्या है? पाइरोडोक्सिन। इसकी कमी से क्या हो सकता है? स्किन से रिलेटेड रोग हो सकता है और खून की कमी भी हो सकती है। विटामिन B7 है इसका नाम क्या है? बायोटिन। इसकी कमी से भी स्किन से रिलेटेड रोग और बाल झड़ जाते हैं। कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इसको हम? मांस से, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल और यीस्ट से। जो फोलिक अम्ल समूह है इसको B9 विटामिन बोला जाता है। इसकी कमी से भी रुधिर क्षीणता और वृद्धि में रुकावट आ जाती है। हरी पत्तियों से, सोयाबीन से और आंत के जीवाणुओं से इसको प्राप्त किया जा सकता है। जो विटामिन B12 है इसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबालमिन। इसकी कमी से क्या होता है? जो रुधिर क्षीणता हो जाती है और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। जो विटामिन सी है इसको क्या बोलते हैं? एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हैं। कहाँ से प्राप्त होता है? खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है। नींबू हुआ, टमाटर, सब्जी, आलू और अन्य पदार्थों से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।